हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत अलग सी रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। वह है तिरंगा पुलाव की रेसिपी, लेकिन मैं यहाँ एक अलग अंदाज से बनाई हूँ। इसके साथ मैं ग्रीन कबाबी गोश्त बनाई हूँ और उसे ही अपने पुलाव के साथ सर्व की हूँ, और बीच में एक स्टार अनियंस रखी हूँ। तो यहाँ बहुत इजी तरीके से बनाई हूँ, तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से बना है ये। वैसे तो सिंपल तरीके से तिरंगा पुलाव तो सभी कोई बनाता है, लेकिन मैं कुछ यहाँ अलग की हूँ, तो चलिए बनाना शुरू करती हूँ। यहाँ मैं तिरंगा पुलाव बनाने वाली हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके में बनाऊंगी, बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी। और इसे मैं पका कर नहीं दिखलाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो आप इसे बासमती राइस में भी पका सकते हैं। यहाँ मैं 250 ग्राम बासमती राइस ली हूँ, इसे अच्छे से धुलकर एक घंटे से भिगो दी हूँ। और यहाँ एक बड़ी चम्मच में नमक ली हूँ और एक छोटी चम्मच चीनी ली हूँ, और इसके अंदर कोई खड़े गर्म मसाले नहीं डालूंगी। और यहाँ हाफ छोटी चम्मच बिरयानी गरम मसाला है, ये मेरा होममेड बिरयानी गरम मसाला है। और यहाँ हाफ चम्मच मैं विनेगर ली हूँ, आप लेमन जूस भी ले सकते हैं, तो इसे मैं साइड में रख देती हूँ। सिंपल चावल बनाना है, इसे हम लोग 90% कुक करेंगे, 10% सिर्फ दम पर पकेगा ये। यहाँ मैं चावल को सिंपल, जिस तरह से बिरयानी के चावल को बनाया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से बनाना है। पानी जब बॉयल आ जाएगा तो उसमें मैं नमक डाल दूंगी और कोई खड़े गरम मसाले नहीं डालना है। उसके बाद चावल डाल दूंगी, फिर विनेगर डालूंगी उतारने के वक्त, चीनी डालूंगी जब मैं चावल को छानूंगी, उसके पहले चीनी डालकर चावल को छानकर मैं रख लूंगी। तो इसे मैं पहले रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ क्या करना है। यहाँ चावल को मैं छान कर निकाल ली हूँ, चावल के दाने बिल्कुल खड़े खड़े से हैं, कोई किसी में सटा नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से चावल पका है। आप देखें, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए मैं पका कर इस दफ़ा नहीं दिखला रही हूँ, इसके अंदर और भी इंग्रेडिएंट्स जाएंगे। चम्मच घी डाली हूँ और एक चम्मच डालूंगी, पहले इसके अंदर मैं चावल को डालूंगी। चावल को डालने के बाद फिर मैं इसके ऊपर गरम बिरयानी गरम मसाला डालूंगी। बहुत इजी तरीके से बनाना बता रही हूँ। इसके अंदर चावल को मैं डाल दूंगी एक लेयर। यहाँ मैं चावल को अच्छे से डाल दी हूँ और एक छोटी चम्मच मैं घी डालूंगी। घी को डालने के बाद इसके ऊपर बिरयानी गरम मसाला डालूंगी। सबसे पहले लेमन जूस डाल दूंगी और बचा ली हूँ। यहाँ फिर बिरयानी गरम मसाला को मैं डाल दूंगी। डालने के बाद इसके ऊपर चावल डालूंगी। हाँ, मैं चावल को डाल दी हूँ, बचा हुआ नींबू के रस को डाल दूंगी। डालने के बाद इसके ऊपर बिरयानी गरम मसाला डालूंगी। बिरयानी गरम मसाला डालने के बाद इसके अंदर और दो इंग्रीडियंट्स डालना है, तो चलिए मैं दिखला देती हूँ आपको। वाटर और केवड़ा वाटर लूंगी, एक बड़ी चम्मच मिला हुआ है मेरा दोनों इसमें। और इसके अंदर मैं दो ड्रॉप मीठा मुगलाई इत्र डाली हूँ, इसे अच्छे से मिला ली हूँ। मिलाने के बाद चावल के ऊपर अच्छे से डाल दूंगी, और डालने के बाद एक छोटी चम्मच और इसके ऊपर घी डालूंगी। चलिए मैं घी को डाल लेती हूँ अच्छे से। यहाँ पुलाव दम के लिए बिल्कुल तैयार है। हाफ कप इसके ऊपर दूध डालूंगी। दूध डालने के बाद इसे अच्छे से ढक दूंगी। 5 मिनट छोटी वाले बर्नल पर इसे ढक के दम देना है, धीमी आंच पर देना है, बड़े फ्लेम पे नहीं चढ़ाना है। उसके बाद इसमें से ही मैं 1 कप चावल निकालूंगी ऑरेंज कलर के लिए, आप ग्रीन कलर की भी निकाल सकते हैं। ग्रीन के लिए मैं यहाँ पर ग्रीन कबाबी गोश्त बना रही हूँ। यहाँ पुलाव में काफ़ी अच्छी तरीके से दम लग चुका है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसी चावल में से मैं 1 कप ऑरेंज कलर के लिए निकालूंगी, आप ग्रीन के लिए भी निकाल सकते हैं, लेकिन ग्रीन के लिए मैं कबाबी गोश्त बनाई हूँ, उसके साथ ये बहुत अच्छा लगता है। सिंपल पुलाव भी बहुत अच्छा लगता है, तो चलिए मैं जल्दी से निकाल कर 1.5 पिंच ऑरेंज फूड कलर मिलाऊँगी, और इसे पहले अच्छे से मैं मिलाकर तब निकालूंगी। चाय पीने वाली कप से 1 कप में चावल निकाली हूँ और इसमें 1.5 पिंच ऑरेंज कलर डाली हूँ और 1/2 पिंच पानी डाली हूँ। डालने के बाद इसे अच्छे से चावल में डालकर मैं मिला लूँगी। यहाँ ऑरेंज कलर बनकर बिल्कुल तैयार है। अब मैं सादे चावल को निकालूंगी और बहुत सिंपल तरीके से सजा कर दिखलाऊंगी, तो आप इसे ज़रूर बनाएं और मुझे ज़रूर कमेंट करें, बहुत अच्छी सी रेसिपी है। मैं इसके बाद गोल करके लंबा कर दी हूँ, एक शेप दे दी हूँ। इसके बाद मैं ऑरेंज चावल को रखूँगी, इसे भी इसी तरीके से लाइन कर देती हूँ। चलिए मैं डालकर इसे अच्छे से लाइन कर लेती हूँ। यहाँ मैं ऑरेंज चावल को अच्छे से रख दी हूँ। अब मैं ग्रीन कबाबी गोश्त को रखूंगी, मैं इसमें चावल नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैं गोश्त बनाई हूँ, इसे मैं अच्छे से रख लेती हूँ। यहाँ मैं ग्रीन कबाबी गोश्त को भी अच्छे से रख दी हूँ एक लाइन की तरह, इसे भी सजा दी हूँ जिस तरह से वाइट और ऑरेंज को एक लाइन से सजाई हूँ, ताकि ये दिखने में पता चले कि यहाँ तिरंगा का एक शेप है और बीच में एक स्टार अनियंस रखी हूँ।
यहाँ मेरा तिरंगा पुलाव बनकर बिल्कुल तैयार है। यहाँ मैं अपने तिरंगे पुलाव को ग्रीन कबाबी गोश्त के साथ सर्व की हूँ। ग्रीन कबाबी गोश्त की रेसिपी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, बहुत इजी तरीके से बनाना बताई हूँ। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। हाँ, सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।